आप सभी ने इस येलो रंग के टेलीफोन बूथ को देखा ही होगा और शायद आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में इसे STD, SDI, PCO के नाम से जाना जाता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है? और क्या आप ये जानते हैं कि जो क्राई है जिसका मतलब रोना होता है, पर दरअसल उसका रियल मतलब होता क्या है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे। और क्या आपको ये पता है कि जो हमारे इस वर्ल्ड का फर्स्ट SMS जो सेंड किया गया था वो कब किया गया था? शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे। तो आज का यह वीडियो कुछ इसी प्रकार के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए, तो आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है? और आपको क्या ये पता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सिम कार्ड कब बनाया गया था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट सिम कार्ड बनाया गया था ईयर 1991 में और सिम कार्ड का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों शायद आप क्राई का मतलब सिर्फ रोना ही समझते होंगे, पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे क्राई का मतलब सिर्फ रोना ही नहीं होता है। क्राई का रियल मतलब होता है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 3, UGC। दोस्तों आप UGC का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पर क्या आप ये जानते हैं कि UGC का गठन किसने और कब किया था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। UGC का गठन किया गया था ब्रिटेन की एक कमेटी के द्वारा जिसका समय काल था ईयर 1990 से लेकर ईयर 1989 तक। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश भारत, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश इंडिया में अनेकों प्रकार की फोर्स मौजूद है जिसमें से एक है पुलिस फोर्स, और जो कि सभी अलग अलग प्रकार के स्टेट्स में मौजूद है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इन सभी प्रकार के अलग अलग स्टेट्स में मौजूद पुलिस फोर्सों की अपनी ही एक अलग टैगलाइन है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो अब आप इन कुछ इमेजेस को देख सकते हैं जिनमें आपकी सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट, इन सभी की हमारे इस जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका है नेटवर्क की, जो हमें विश्व में एक सिरे से दूसरे सिरे तक के जोड़े रखता है, जिसके द्वारा हम हर प्रकार के गेटवे को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। हर प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग, भले वो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग हो या फिर ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग हो, हम उसे आसानी से सुन सकते हैं व देख सकते हैं, और हर प्रकार का वह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक गेटवे सिस्टम के द्वारा हम आसानी से कर पाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इस गेटवे सिस्टम को सिक्योर कैसे रखा जाता है? हम किस प्रकार से एक गेटवे सिस्टम से दूसरे गेटवे सिस्टम में आसानी से एक्सेस कर पाते हैं और हम उस नेटवर्क को इजीली यूज़ कर पाते हैं? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। इस गेटवे सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जो हमें आसानी से एक्सेस प्रदान करता है विथ सिक्योरिटी। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया में हजारों केसेस संक्रमण के देखे गए हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इस बीमारी ने हमें कुछ ऐसी अच्छी आदतें भी सिखाई है, जैसे कि मास्क लगाना या समय समय पर साबुन से हाथ धोना, जिससे 99.8% तक के कीटाणु मर जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना जो किस्म है वो किस किस्म का वायरस है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। SARS, जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह एक किस्म का वायरस है जिसके कारण वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से यह वायरस एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे सर्दी, खांसी और भी अन्य कारणों से आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, और इससे बचाव का बस एक ही उपाय है, मास्क लगाइए, मास्क का उपयोग कीजिए और लगातार साबुन से अपने हाथ धोइए। फैक्ट नंबर 7,
क्या आप ये जानते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म होता क्या है, और क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे पहला एटीएम कब और कहाँ इंस्टॉल किया गया था, और ये क्यों इंस्टॉल किया गया था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और जो कि सबसे पहले जापान में ईयर 1966 में इंस्टॉल किया गया था, और इसके पीछे भी एक अमेजिंग सी स्टोरी है। ईयर था 1966, जापान, स्वीडन और यूके के बैंकर्स की ज़रूरतों पर एक कंप्यूटर लोन फैसिलिटी को लागू किया गया था, जिसके तहत 5% पर एनम के इंटरेस्ट पे 3 मंथ के लिए क्रेडिट लोन दिया जाता था, जो कि क्रेडिट कार्ड पे था। तो जो फर्स्ट एटीएम मशीन इंस्टॉल की गई थी उस पर क्रेडिट कार्ड यूज़ होता था। अब आप इस इमेज को देख सकते हैं, यह फर्स्ट एटीएम मशीन की इमेज है जो कि रियल है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप ये जानते हैं कि SMS, जो हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं, उसका फुल फॉर्म होता क्या है, और वर्ल्ड का फर्स्ट मैसेज कब सेंड किया गया था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और दुनिया का पहला SMS जो टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था, वो भेजा गया था 3rd of December ईयर 1992 में। उस मैसेज में मेरी क्रिसमस लिखा हुआ था। फैक्ट नंबर 9, वेट। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक टैक्स होता है वेट, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, पर क्या आप ये जानते हैं कि वह कौन सा देश था जिसने सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया था? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, उसका नाम था जर्मनी और फ्रांस। ये 1954 में फर्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स लगाने वाली कंट्री थी। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अब हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का हमारे यह वीडियो कैसा लगा। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में इस टेलीफोन बूथ को देख पा रहे होंगे, और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में इसे STDIT या PCO के नाम से भी जाना जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका असल मतलब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? शायद आप ये नहीं जानते होंगे, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, IIT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, और PCO का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस।